आज एक बहुत अहम घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जैसा आप सब लोग जानते हो, दिल्ली के जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, हम लोगों ने कहा था कि दिल्ली में बिजली के रेट आधे करेंगे। हमारा विपक्षी दलों ने खूब मजाक उड़ाया था कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकते, इसको इकोनॉमिक्स नहीं आती, इसको गवर्नेंस नहीं आती। हमने सरकार बनने के एक महीने के अंदर दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर दिए, गवर्नेंस भी बड़ी अच्छी चली, इकोनॉमिक्स भी बड़ी अच्छी चली। दिल्ली की जनता जो कांग्रेस और शीला दीक्षित जी के टाइम में बिजली के रेट से इतनी दुखी थी, उन्होंने बहुत चैन की सांस ली। आज पूरी दिल्ली के अंदर जनता बिजली के दाम कम होने से बहुत खुश है और आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर मिल रही है। तो हमने जो कहा वो किया। हमने कहा था हम पानी मुफ्त करेंगे, उस टाइम भी विपक्षी दलों ने बहुत मजाक उड़ाया था हमारा, बोले जी ये केजरीवाल को इकोनॉमिक्स नहीं आती है, दिल्ली जल बोर्ड का भट्टा बिठा देगा, दिवालिया हो जाएगा दिल्ली जल बोर्ड। हमने 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त किया। हमारी सरकार बनने के पहले जब मैं घूमा करता था लोगों के बीच में, लोग कई कई हजार रुपए महीने के लोगों के बिल आया करते थे पानी के, बहुत दुखी थे लोग। जब से 20,000 लीटर पानी किया, 12.5 लाख परिवारों के बिल जीरो हो गए थे, 12.5 लाख परिवारों के। तो लोगों ने चैन की सांस ली और जो लोग कहते थे कि दिल्ली जल बोर्ड का दिवालिया निकल जाएगा, एक साल के बाद जब फाइनेंसेस की डिटेल्स आई, एनुअल अकाउंट्स बने, तो पता चला 178 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी ज्यादा आ गया, पानी भी मुफ्त हो गया, पैसे भी ज्यादा आ गए। फिर कुछ लोगों ने कहा जी पानी जनता ज्यादा खर्च करेगी अगर आपने पानी मुफ्त कर दिया, वो भी गलत साबित हुआ। 3 मिलियन गैलन वाटर पर डे की बचत होने लगी। तो एक चीज तो ये कि हम जो भी कहते हैं वो बहुत सोच समझ के सारी कैलकुलेशंस करके ऐलान करते हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव आने वाली है, इनके भी सारे अकाउंट्स हम लोगों ने देखे हैं, परखे हैं और हमें यह लगता है कि दिल्ली के लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं नगर निगम को, और वो सारा का सारा चोरी हो रहा है। इनके काउंसलर जब काउंसलर बनते हैं तो स्कूटर पे घुमा करते हैं और 5 साल के अंदर 5-5 इनकी मर्सिडीज गाड़ियां, 5-5 बंगले, इनके प्लॉट। तो आज हम ऐलान करते हैं कि दिल्ली नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो नगर निगम में जो रेजिडेंशियल हाउस टैक्स है, घरों के ऊपर जो हाउस टैक्स लगता है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल नहीं, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म कर दिया जाएगा दिल्ली में। और जो पुराना एरियाज है रेजिडेंशियल हाउस टैक्स का, वो सारा माफ कर दिया जाएगा। इसकी सारी हम लोगों ने कैलकुलेशंस कर ली हैं। पैसा कहां से आएगा? ढेरों ऐसी सड़कें और गलियां आपको मिलेंगी जो एक ही सड़क कागज में 3 बार बन गई, 4 बार बन गई और सारा पैसा खा गए। ढेरों आपको ऐसे काम मिलेंगे नगर निगम में जो जानबूझ के किए जा रहे हैं, जिनकी जनता को कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे मेरे को याद है जब हम एनजीओ में काम किया करते थे तो फव्वारे लगाए गए जो कभी चली नहीं, 60-60 लाख रुपए का एक फव्वारा लगाया था और पता नहीं कितने फव्वारे इन लोगों ने बनाए थे उस टाइम। सीएजी की रिपोर्ट आई है कि 2,000 करोड़ रुपए की पेंशन मरे हुए और नॉन एग्जिस्टेंट लोगों को दी गई है, सारा पैसा खा गए लोग। हमने इसका भी मॉडल तैयार कर रहे हैं, डिटेल्ड मैनिफेस्टो कुछ दिन के बाद आएगा।
कि किस तरह से बहुत सारी सर्विसेज जनता के सहयोग से शुरू की जाएंगी, जैसे पार्क डेवलप करना है, हॉर्टिकल्चर सर्विसेज है, आरडब्ल्यूएस को सहयोग लेके, जनता का सहयोग लेके की जाएंगी और उसमें खर्चा बहुत कम होगा। उसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, लेकिन ये बहुत जिम्मेदारी के साथ और सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हम अनाउंस कर रहे हैं कि दिल्ली में, दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद रेजिडेंशियल हाउस टैक्स दिल्ली से खत्म किया जाएगा और जो भी उसके एरियर है रेजिडेंशियल हाउस टैक्स के, वो माफ किए जाएंगे। एक साल के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि हम दिल्ली नगर निगम को टर्न अराउंड कर लेंगे। जो आज वो घाटे में चल रहा है दिल्ली नगर निगम, एक साल के अंदर फायदे में चलने लगेगा। हर 7 तारीख को लोगों को, कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। अपनी तनख्वाह लेने के लिए उन लोगों को स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस पे कोई आपका सर, मिशन कुछ किया होगा कि कितना सालाना आउटस्टैक जा रहा है? सारा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे नॉर्थ एमसीडी है, टोटल उनका 3300 करोड़ रुपए का बजट है, उसमें 300-350 से 300 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स से, इससे रेजिडेंशियल हाउस टैक्स से पैसा आ रहा है, वो एक आपको इंडिकेशन देगा। अब 3300 करोड़ रुपए में इनका कम से कम 1000 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार में स्वाहा होता होगा, तो 300 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार रोक के बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं रानी झांसी फ्लाईओवर का हमेशा एग्जांपल देता हूँ। रानी झांसी फ्लाईओवर 2006 में बनना चालू हुआ था, 177 करोड़ रुपए का बनना था, आज 10 साल हो गए, 724 करोड़ रुपए खर्च कर लिए इन्होंने और अभी भी आधा बन के तैयार हुआ, पता नहीं कितने खर्च होंगे। उसके मुकाबले में दिल्ली सरकार हर फ्लाईओवर के निर्माण के अंदर 100-150-200 करोड़ रुपए बचाती जा रही है सैंक्शन अमाउंट से। तो भ्रष्टाचार रोकने से जितने पैसे की बचत हो रही है, वो सारा पैसा हम जनता को नई स्कीम के रूप में या सब्सिडी के रूप में या उनके फायदे के रूप में उनकी जेब में वापस कर रहे हैं। अब हमें ये लगता है कि हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, हाउस टैक्स के कलेक्शन से ज्यादा इस पूरे सिस्टम के अंदर जो नेताओं और अफसरों की जेब में पैसा जा रहा है हाउस टैक्स के नाम पे, वो कहीं ज्यादा है। उनको डरा के, इंस्पेक्टर राज के जरिए, भ्रष्टाचार के जरिए, मतलब एक हाउस टैक्स एक ऐसा ड्रैकोनियन वो बन गया दिल्ली के अंदर कि जनता बहुत ज्यादा परेशान है। तो इससे दोनों फायदे हैं, एक तो जनता को फाइनेंशियल सहूलियत मिलेगी और ये जो हाउस टैक्स भरने के और हाउस टैक्स के एनफोर्समेंट के नाम पे जो जनता को परेशान किया जा रहा है, उन परेशानियों से जनता को मुक्ति मिलेगी। तो ये तो हम अच्छा ही कर रहे हैं ना भाई। आप ही बताओ, आपका बिजली का बिल जैसे पहले कितना आता था? सर हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, इसलिए हमारा एनर्जी दिल्ली में शिफ्ट कर जाइए, आपको फायदा होगा। तो एक मिनट में उनका जवाब मैं अपनी जेब से तो देता नहीं। जनता के पैसे भ्रष्टाचार खत्म करके बचाए, वो पैसे बचा के उससे पानी सस्ता कर दिया, वो पैसे बचा के उससे बिजली सस्ता। अगर हम झूठ बोल रहे होते, आप ये कहते जी आपने दिल्ली के चुनाव के पहले कहा था बिजली के बिल कम करेंगे, आपने करे नहीं, झूठ बोलते हो। आप अगर ये कहते जी आपने कहा था पानी सस्ता करेंगे, आपने करा नहीं, झूठ बोलते हो, तब तो मैं दोषी था। हमने कहा बिजली सस्ती करेंगे, कर दी। एक मिनट सुनो, हमने कहा पानी मुफ्त करेंगे, कर दिया। तो जो हम जैसे दूसरी पार्टियां कहती हैं भाई किसानों का कर्ज माफ करेंगे, अभी अभी बोला था उन्होंने, अब चुनाव जीतते ही कहते कर्ज नहीं माफ करेंगे। तो उनसे पूछो ना भाई झूठ क्यों बोलते हो, हम तो झूठ नहीं बोलते।
और हम कैसे कर रहे हैं, जनता का पैसा बचा रहे हैं हम तो बार बार। दिल्ली सरकार का भी मॉडल क्या है, हमने दो साल के अंदर वैट की दरें, टैक्स की दरें, वैल्यू एडेड टैक्स की दरें देश के अंदर लगभग सबसे कम करते जा रहे हैं हम लोग। जब इतने पैसे की जरूरत ही नहीं है तो क्यों लें आपसे पैसा। पहले 12.5% टैक्स लगता था मिठाइयों पे, नमकीन पे, कपड़े पे, चप्पलों पे, मार्बल पे, टिम्बर पे, लकड़ी पे, कितनी चीजों पे हमने 12.5% से सीधे 5% टैक्स कर दिया। तो आप ही को फायदा दे रहे हैं। क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी जो ये टैक्स चोरी कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई करेंगे? जरूर करेंगे सर, एक बार जनता जिता के बोलिए। डिटेल मैनिफेस्टो बन रहा है, दिल्ली को एक बहुत ही मॉडर्न शहर के रूप में, दिल्ली देश की राजधानी है और जिस तरह से आज दिल्ली की सफाई व्यवस्था और ये सब है, तो बहुत डिटेल में मैनिफेस्टो बना रहे हैं सारी चीजों पे।